कुछ अच्छे अफोर्डेबल वेडिंग ओकेजन्स के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बजट में शादी, फैमिली गैदरिंग, वेडिंग ओकेजन्स के लिए कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। खुशबुएं हमारी यादों से जुड़ जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका दिन ये यादगार बना दें। अच्छी खुशबुएं हैं तो तारीफें भी मिल सकती हैं। मैं आपको बताते चलूँगा कि इनका इस्तेमाल कैसे मौसम में आप कर सकते हैं और किस वक्त कर सकते हैं, जैसे कि दिन, इवनिंग या रात को। ज़्यादातर परफ्यूम 2-2.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल है। वैसे आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है मुझे कमेंट बताइएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे वीडियो देखने के बाद, ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है अजमल की तरफ से विशाल दहा। इसका ऑडे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 50 ml आपको लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। बड़ी अच्छी इसकी मुझे खुशबू लगती है। ये एक फ्लोरल, फ्रूटी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें गुलाब के नोट का और भी फूलों की खुशबू बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है फ्रूटी नोट के साथ। इसमें प्रोमिनेंट जो खुशबू आती है वो पेयर नाशपाती की आती है। इसमें पीच की खुशबू मिलती है। ये मुझे ऑल वेदर परफ्यूम लगता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको कड़क गर्मी में ना लगाएं। और ऐसा लगता है कि इसके 2-3 स्प्रे इनफ होंगे, लोगों को इसकी खुशबू पता चलती है। परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 8-9 घंटे स्किन पे आराम से रहता है और लगभग 3-4 घंटे तक, लगभग 5 घंटे तक आप मूव करेंगे तो लोगों को इसकी खुशबू मिलेगी। बस ये समझिए एक देसी खुशबू है, मुझे ऐसा लगता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा है, बस स्ट्रॉन्ग है। तो ये है अजमल की तरफ से विशाल दहा। नंबर 9 पे है अफनान की तरफ से 9 PM। इसका ऑडे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 2.5 हज़ार का मिल जाना चाहिए। एक वनीला बेस, फ्रूटी, स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें सिनेमन, दालचीनी की भी हल्की खुशबू आती है, एम्बरी खुशबू मिलती है, थोड़े फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल है, लेकिन स्वीटनेस ज़्यादा है, फ्रूटी खुशबू ज़्यादा है। इसमें पेयर नाशपाती का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, इसकी खुशबू थोड़ी मैच्योर लगती है, तो अगर आप टीन हैं तो इसके बारे में समझें। ये वैसे क्लोन है जॉन पॉल गोटिये के अल्ट्रा मेल का, और काफ़ी अच्छा क्लोन मुझे लगता है। अगर आपको कुछ कम दाम में चाहिए तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी क्लोन है, ये लताफा का रैम सिल्वर। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। बस बात यह है कि ये सिंथेटिक है। ये 1000 रुपये के रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है, और इसका जो ये 30 ml है लगभग 400-500 रुपये के रेंज में मिल सकता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे बेहतर लगता है, ऑल वेदर परफ्यूम लगता है मुझे। दिन में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, बस कड़क गर्मी में अगर लगा रहे हैं तो समझें, क्योंकि स्वीटनेस है तो ऐसा हो सकता है इरिटेट करे। परफॉर्मेंस अच्छी है, 6-7 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी आराम से, कपड़े पे 10-15 घंटे रहता है। मैं इसके 4-5 पूरे स्प्रे करता हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है मिल जाती है। अच्छी खुशबू है, मुझे ऐसा लगता है फैमिली गैदरिंग है, फेस्टिवल है, शादी का ओकेजन है, तो इसको लगा सकते हैं। तो ये है अफनान की तरफ से 9 PM। नंबर 8 पे है रसासी की तरफ से अलविसाम पोर ओम। इसको अलविसाम डे भी कहते हैं। इसका ऑडे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे से गुलाब के नोट का इस्तेमाल है। देखिए, ये एक फ्लोरल, वुडी, हल्का स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है गुलाब की खुशबू को वुडी नोट के साथ, इसमें एगरवुड का भी वो कहते हैं हल्का सा नोट इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि गुलाब की साफ खुशबू नहीं है। देखिए, इसमें वो थोड़ा सा चॉकलेटी खुशबू मुझे लगती है। ऐसा लगता है कि ट्रफल की जो खुशबू होती है, और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी खुशबू ये टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड जैसी लगती है। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्लोन नहीं है। लोग कहते हैं कि ये क्रीट के सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह भी इसकी खुशबू है। मुझे नहीं लगता, इसमें कोई भी इंकीनेस नहीं है जैसे सिल्वर माउंटेन वाटर में है, और वो सिट्रसी खुशबू भी, मेटालिक खुशबू इसमें नहीं मिलती है। ये एक फ्लोरल खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम लगता है। परफॉर्मेंस इससे अच्छी मिल जाती है, 6-7 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी, कपड़े पे 10-15 घंटे तक रहता है, और ये भी दिन में लगाने वाला परफ्यूम मुझे लगता है। खास करके अगर शादी में लगा रहे हैं, किसी फेस्टिवल में लगा रहे हैं, तो इसको लगा करके आपको तारीफें भी मिल सकती हैं। तो ये है रसासी की तरफ से अलविसाम पोर ओम। नंबर 7 पे है रसासी की तरफ से नफाइस अल शगाफ पोर ओम। इसको सिर्फ शगाफ भी कहते हैं। इसका ऑडे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 2.5-3 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसकी, सिरपी, स्वीट, मस्की
और हल्का वुडी खुशबू है। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि काफ़ी स्वीटनेस है इसके खुशबू में और मस्की, ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इससे बड़े आसानी से 8 से 9 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है। शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हल्की ठंडक और दिन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए, इसकी खुशबू सिमिलर है रसासी के ही, ये शूरा की तरह, बस ये है कि इसमें जितनी ऐशी स्मोकी खुशबू है वो अगर हटा दिया जाए और फ्रूटी खुशबू मिला दी जाए, स्वीट खुशबू को मिला दिया जाए, तो कुछ ऐसा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज में एक हल्की यूनिकनेस है इसकी खुशबू में, और ये भी है कि लोगों को पता चलने वाली खुशबू है। बस ये समझिएगा कि अगर आपको इरिटेशन होती है स्ट्रॉन्ग खुशबू से, तो इसके बारे में समझें, 2-3 स्प्रे इनफ होते हैं इससे परफॉर्मेंस जो ऑप्टिमम मिलती है उसको पाने के लिए। तो ये है रसासी की तरफ से नफाइस अल शगा। नंबर 6 पे है लताफा की तरफ से आसान। इसका ओदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। अभी फिलहाल काफ़ी हाइप्ड है। ये क्लोन है डियोर समाज के एलेक्सर का, ठीक ठाक क्लोन है। अगर फूजियर, जो बार्बर शॉप वाली खुशबू होती है, उसमें मसालों को मिला दिया जाए, इसमें क्लोव, लौंग की खुशबू मिलती है, इसमें और भी वुडी नोट्स का इस्तेमाल है, एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है। परफॉर्मेंस इससे ठीक ठाक मुझे मिल जाती है, 6 से 7 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी, कपड़े पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम के लिए, शाम के फंक्शन के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ी ओल्ड स्कूल खुशबू है, तो इसके खुशबू को समझें, तभी अगर आप टीन हैं तो समझना पड़ेगा, क्योंकि मैस्कुलिन खुशबू है, स्पाइसी खुशबू है, लेकिन इसके दाम के हिसाब से अच्छे तरीके से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है। देखिए, क्लोन के हिसाब से मैं कहूँगा, आगे चल के जब इसका रिव्यू बनाऊँगा तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टिल आपको उस कैटेगरी में एक ठीक ठाक खुशबू मिल जाएगी। तो ये है लताफा की तरफ से असाल। नंबर 5 पे है अरमाफ की तरफ से क्लब द नुई सियाज। इसका ओदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। काफ़ी चमकदार इसकी बॉटल है। ये वैसे क्लोन है क्रीट के सिल्वर माउंटेन वाटर का, और मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा क्लोन है। इसमें ब्लैक करेंट का बहुत अच्छे इस्तेमाल है, इसमें और भी सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा इंकी जो मेटालिक खुशबू आती है वो हल्का सा लैक करता है। ये थोड़ा सिंथेटिक भी है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ ये क्लोन है। और मेरे कलेक्शन में सिल्वर माउंटेन वाटर का सबसे क्लोजेस्ट क्लोन मुझे लगता है। ये ऐसा लगता है कि दिन के मौसम के लिए ऑल वेदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेशनेस है और जो एक शार्प खुशबू है वो बड़ी अच्छी मुझे लगती है, और फ्लोरल खुशबू है, फूलों की भी इसमें खुशबू है। ड्राई डाउन में ये मस्की हो जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगता है, 6 से 7 घंटे मुझे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, कपड़े पे 10 से 15 घंटे रहता है और शुरुआत के लगभग 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बस इसके खुशबू को समझे, एक नीच टेक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको इसकी खुशबू पसंद आए। इसमें एक इंकीनेस मिलती है, लेकिन इसके दाम के हिसाब से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है अरमाफ की तरफ से सियाज। नंबर 4 पे है अफनान की तरफ से रेयर कार्बन। इसका ओदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 2.5 हज़ार का मिल जाना चाहिए। बहुत अच्छा इसका कॉम्पोजिशन मुझे लगता है, बढ़िया से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है। देखिए, ये सेम कैटेगरी में इसकी खुशबू लगती है टॉम फोर्ड का, जो ओम्ब्रे लेदर आता है वैसी। मैं इसको डायरेक्ट क्लोन नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें और भी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेदरी, ओजोनिक, वुडी, हल्का एनिमलिक खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे से आपके वायलेट का नोट का इस्तेमाल है, नटमैग का इस्तेमाल है, लेयर्ड है काफ़ी, एक मच्योर सी खुशबू है। और ऐसा लगता है कि ठंडे मौसम के लिए अगर आप इवनिंग टाइम में कोई फंक्शन है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जिविटी, कपड़े पे 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू रहती है और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करते। इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगती है मुझे। अगर आपको कम दाम में कुछ है, इसी कैटेगरी में चाहिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लताफा का जो वेलवेट ऊद आता है। बस बात यह है कि इसमें गुलाब की खुशबू थोड़ी प्रोमिनेंट है, तो आपको गुलाब की खुशबू पसंद आनी चाहिए, लेकिन ये भी अच्छे से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम मुझे लगता है। तो ये है नंबर 4 पे अफनान की तरफ से रेयर कार्बन। नंबर 3 पे है लताफा की तरफ से कामरा। इसका ओदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये काफ़ी हाइप्ड है, आगे चल करके मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। देखिए, समझने की बात यह है कि महंगे परफ्यूम का क्लोन होना अच्छी बात है, लेकिन खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं। ये एक गर्मॉन्डिश खुशबू वाला परफ्यूम है, कोई खाने वाली चीज़ जो होती है, वनीला बेस, केकी,
और इसमें चॉकलेटी खुशबू मिलती है। इसमें डेट खजूर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, हल्का बूजीनेस भी है। आगे चल के जो जिसका ये क्लोन है किलियन के एंजल शेयर्स के साथ मैं इसका कंपैरिजन करूँगा, हर चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप समझें। ये दिन में या फिर इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, ठंडे मौसम के लिए एक अच्छा परफ्यूम है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिल जाती है, 7 से 8 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिल जाती है, कपड़े पे लगभग 10 से 15 घंटे इसकी खुशबू रहती है, लेकिन यह है कि थोड़ा करीब आ जाता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे की मिलती है, और अच्छी प्रोजेक्शन हो सकती थी, लेकिन ब्लेंड अच्छे से किया गया है। वो जो स्वीटनेस है, एक मीठी खुशबू है, तो इसके बारे में समझें तभी कंसीडर करेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी खुशबू है। बस ये है कि खाने वाली जो गर्मांडिश खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए। तो ये है लतावा की तरफ से कमरा। नंबर 2 पे है अरमाफ की तरफ से क्लब द नुई इंटेंस मैन। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं। ये जो मेरे पास है ये ऑदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है इसका, ये 105 ml की बॉटल है और ये लगभग 2 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि इसका परफ्यूम जो आता है वो आप कंसीडर करें, उसका 150 ml आपको लगभग 2.5 से 3000 रुपए के प्राइस रेंज मिल जाएगा। उसका कारण है क्योंकि पहली बात तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इससे थोड़ा बेटर मुझे लगता है। अब देखिए ये क्लोन है क्रीट के एवेंटस का, और खूब अतिशयोक्ति अलंकार लगा के हम सब ने बात की है इसके बारे में। काफ़ी पॉपुलर परफ्यूम है और अच्छे कारणों की वजह से है, क्योंकि अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसमें पाइनएप्पल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, इसमें बर्च, हल्का स्मोकीनेस है, एक मैस्कुलिन खुशबू है। बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि इसमें जो वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है सिट्रसी नोट के साथ, एक रिच सिडक्टिव सी खुशबू लगती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू है, तो तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। मुझे इसकी खुशबू ऑल वेदर लगती है, तो दिन में और इवनिंग टाइम में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये है अरमाफ की तरफ से क्लब द नुई इंटेंस मैन। नंबर 1 पे है अलहरमेन की तरफ से डेटोल नोआर। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको 2500 रुपए का मिल जाना चाहिए। इसकी बॉटल तो काफ़ी बुरी है, प्रेजेंटेशन भी बुरी है, देखिए आगे से इसका प्रिंट भी उखड़ रहा है, लेकिन खुशबू काफ़ी अच्छी है। ये क्लोन है परफ्यूम दे माली के लेटन का, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा क्लोन है। आगे चल करके मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा, और कहां से ख़रीद सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा। ये एक देखिए वनीला बेस मस्की और पाउडरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें एक विक्स जैसी हल्की खुशबू मिलती है शुरुआत में, वो कुछ फ्लोरल नोट की वजह से है, और ड्राई डाउन में इसमें ऑलमंड की खुशबू, बादाम की खुशबू मिलती है, वनीला की खुशबू, और हल्का पाउडरी खुशबू हो जाता है। एक मैस्कुलिन बहुत खूबसूरत सी खुशबू है, एग्जैक्टली गर्मांडिश कुछ खाने वाली खुशबू तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हल्की स्वीटनेस है और पाउडरी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर इवनिंग टाइम में कोई फंक्शन है तो आप इसको लगा सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, 6 से 7 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी, कपड़े पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को इसकी खुशबू मिलेगी। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है अलहरमेन की तरफ से डेटोल नोआर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। वैसे मैंने पिछले साल एक बजट में लिस्ट बनाई थी, तो आपको और भी ऑप्शंस उसमें मिल सकते हैं 1000 से 1500 रुपए के प्राइस रेंज में। आपका सबसे पसंदीदा फेस्टिवल में लगाने वाला, शादी के दिन लगाने वाला कौन सा परफ्यूम है मुझे कमेंट में बताएं, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।